मेरा नाम पल्लवी है और मैं 9th क्लास में हूँ। माय नेम इज़ आयशा, आई एम फ्रॉम 9th ए। मेरा नाम आमिर अंसारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अजय है और मैं ख्याला स्कूल में पढ़ता था 7th में। बचपन, हाँ हाँ वही बचपन, जब बच्चा बड़ा होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपने ख्वाहिशों अपने सपने को जीना चाहता है, लेकिन बड़ा हो जाने के बाद अपने बचपन को याद करता है और सोचता है कि काश मैं अपने बचपन को दोबारा जी पाऊँ, दुनिया को बेहतर ढंग से समझकर अपनी गलतियों को दुरुस्त कर पाऊँ। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बचपन की गलतियाँ, बचपन की आदतें ताउम्र असर करती है, हम वक्त की असल अहमियत समझने में देर कर देते हैं। हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इंजॉय करते हैं, स्कूल की छुट्टियों पे खुश होते हैं। बचपन में बच्चों को स्कूल जाने की आदत होती है, स्कूल को जाने वाली समतल पगडंडियाँ ज़िंदगी की मुश्किल राहों पर खुलती हैं। स्कूली मैदान में खेलते हुए बच्चा जीवन के रंग क्षेत्र के लिए तैयार होता है, लेकिन बीते 2 सालों से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। एक वबा के आए पगडंडियाँ और स्कूली मैदान खाली हो गए। बीते दिनों हम जगह जगह गए, बच्चों से मुलाकात की, उनसे सवाल पूछे, उनके जवाब लिए। इस भाग दौड़ में जो कुछ भी हम सजो पाए हैं वो आपके सामने है। आसमान में उड़ने का ख्वाब देखने वाले नन्हे पंछी को क्या मालूम कि आसमान भी जमीन से ही नजर आता है। जिस जमीन पर पांव टिकाकर बच्चा आसमान की ऊंचाइयां निहारता था, उसने साथ छोड़ दिया। जहां एक तरफ कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर गैर संजीदा थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चों को कोरोना की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कोविड के टाइम पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे मतलब किसी के पास फ़ोन भी नहीं था, कुछ था भी नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आता था ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने इसलिए स्कूल छोड़ा, मेरा पापा नहीं है तो काम धंधे वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाता हूँ काम की वजह से। थे 4-5 बच्चे थे जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उसकी वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरी क्लास में 1-2 बच्चे हैं जो जिनको ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने किसी कोई गांव चले गया, किसी ने स्कूल छोड़ दिया। कुछ बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, या तो कुछ बच्चे कर नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया जाता था, कुछ पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे या तो कुछ पेरेंट यूज़ ही नहीं करने देते थे, और कुछ बच्चे गांव में होने की वजह से और नहीं कर पाते थे। कोविड से पहले पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी पहले। जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो बच्चे ज़्यादातर एब्सेंट रहते थे और टीचर्स भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा पाते थे, और फिर उसके बाद घर में फ़ोन भी नहीं था तो उस वजह से हम भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तब बहुत बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर भी हो गए थे और ऑनलाइन क्लास भी इसे नहीं ले रहे थे। मतलब 32 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10-12 बच्चे क्लास लेते थे। आप किसी ऐसे घर की कल्पना करिए जिसमें केवल 2 कमरे हैं। बनावट के हिसाब से दोनों इस तरह दिखते हैं मानो एक ही हैं। रसोई घर से आती हुई कुकर की सीटियों के बीच एक बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है और दूसरा बच्चा एक ही फोन होने की वजह से दूर कोने में खड़ा उसका मुंह ताक रहा है। मेरी बेटी 9th क्लास में है और मेरे को केजरीवाल से ना रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कम से कम टैबलेट तो दिलाए, क्योंकि स्कूल बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, मोबाइल नहीं है घर के अंदर, एक मोबाइल से काम नहीं चलता है, और एक छोटा घर होता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है, क्लास थोड़ी ज़्यादा लगे। अभी जो ऑफलाइन क्लास हो रही है उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। मेरे को तो खेलने भी देते हैं ऑफलाइन में, पढ़ाई भी होती है और फिर दोस्तों के साथ बात भी कर लेते हैं। स्कूल जाते हुए चेहरों पर उत्साह की तरंगे होती हैं। अपने दोस्तों से मिलता हुआ बच्चा एक नया परिवेश बनाता है। शिक्षक से आमने सामने का संवाद उसके विकास की गति को बढ़ा देता है। लेकिन ये सब मूल्य ऑनलाइन माध्यम में शून्य हो गए।
कोरोना में कुछ परिवारों के मुखिया असमय इस दुनिया से चले गए। परिवार की जिम्मेदारी नन्हे कंधों पर आ गई। जिम्मेदारी निभाने के क्रम में नौनिहालों ने सपने देखना छोड़ दिया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की तिलांजलि दे दी और बेबुनियाद हो गए। कहते हैं कोई भी काम पहली बार बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार पढ़ाई की जगह काम चुनना नौनिहालों के लिए भारी पड़ा। अब वे शायद फिर कभी भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। हमारे इस प्रयास पे आप अपना कीमती सुझाव जरूर दें। जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन के कुचक्र में फंसे हैं उसको इस स्थिति से ऐसे बाहर लाया जा सकता है, इस बारे में भी बताएं।